सभी दर्शकों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। बॉलीवुड राउंडअप में आज हम बात करेंगे रजनीकांत की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से रजनीकांत ट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा सोनू सूद का वो थ्रोबैक वीडियो, जिसमें वो देसी सुपर हीरो नागराज के अवतार में नजर आ रहे हैं। चलिए राउंडअप की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता मिलिंद सोमन। बॉलीवुड अभिनेता मिलिंद सोमन ने कुछ दिन पहले ही कोविड को मात दी थी। इसके बाद मिलिंद सोमन अब अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह मिलिंद ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की है। मिलिंद ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मुंबई में प्लाज्मा डोनेट करने गया था लेकिन एंटीबॉडीज बहुत कम थी, खुद को थोड़ा यूजलेस महसूस कर रहा हूँ। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरह 100% इफेक्टिव साबित नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि यह मदद कर सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी कर सकता हूं मुझे करना चाहिए। एंटीबॉडीज कम होने का सामान्य मतलब है कि मुझे बहुत हल्के लक्षण थे और मैं एक और इन्फेक्शन से लड़ सकता हूं, मगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, थोड़ा निराश हूं। कोरोना काल के मसीहा बन चुके अभिनेता सोनू सूद इन दिनों काफी चर्चा में है। सोनू सूद बीते साल से ही लोगों की आगे बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर किसी के चहेते बन गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से सोनू सूद चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी दरिया दिली नहीं है। दरअसल सोनू सूद का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो देसी सुपर हीरो नागराज के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में, यानी इस विज्ञापन जिसमें वो नागराज के किरदार में दिख रहे हैं, उसके बारे में सोनू सूद ने कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा के शो में बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके करियर की शुरुआत में जब वह दिल्ली आए तो उन्हें पहला रोल नागराज का मिला था। आप भी देखिए मजेदार वीडियो। नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आपका तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नाक। नागराज अपराधियों का मिटा दे नामो निशान। राज कॉमिक्स में नागराज का नया कॉमिक। देश में कोविड को लेकर हाहाकार मचा हुआ, ऐसे में एक और जहां सरकारें मदद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलेब्स और अन्य सिनेमा के सेलेब्स भी मदद के लिए आगे आए हैं। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता रजनीकांत का भी है, लेकिन रजनीकांत इस बार मदद करने के बावजूद ट्रोल हो गए हैं। दरअसल रजनीकांत ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की और कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए जमा किए। अब ऐसे में एक और जहां फैंस रजनीकांत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि रजनीकांत के लिए 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्हें एक बड़ी राशि दान करनी चाहिए। बॉलीवुड के बादशाह खान यानी शाहरुख खान के अलावा उनके बेटे आर्यन खान और बेटी सुहाना खान भी काफी चर्चा में रहते हैं। दोनों ही मनोरंजन जगत से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान चर्चा में हैं, और इस बार वजह है उनका ग्रेजुएट होना। आर्यन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट हो चुके हैं। रविवार को उनकी डिग्री मिली, जब आर्यन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चलिए बात करते हैं 2017 में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस से डेब्यू करने वाली माहिरा खान की। माहिरा खान इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं। बता दें कि कुछ साल पहले पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में बैन कर दिया गया था, जिस पर माहिरा ने भी निराशा जाहिर की थी। ऐसे में यूट्यूब चैनल फिल्म कंपेनियन से बात कर हुए माहिरा ने कहा, उस वक्त मुझे कई दूसरी सीरीज के ऑफर आए, मुझे नहीं पता कि मेरे बताने पर यह कोई समझेगा या नहीं, लेकिन मैं डर गई थी, मैं वाकई काफी डर गई थी। यह इस बारे में नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं वहां जाना चाहती हूं या नहीं। कुछ कहानियां कमाल की थी और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं मौजूदा हालात पर माहिरा ने कहा, मुझे लगता है कि ये दुखद है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। मेरा मतलब है कि हम सब आगे बढ़ चुके हैं, हम यही करते हैं, अगर हमारे पास यह नहीं है तो हम कुछ और करते हैं, यही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने पूरे उपमहाद्वीप को साथ आने का और सहयोग करने का एक बड़ा मौका खो दिया, शायद ये दोबारा से हो, किसे पता है। चलिए फिलहाल इस बॉलीवुड राउंडअप में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।